भाई आते ही लड़की शुरू हो गई है भुखड़ों की तरह। हाँ से देखो इस भुखड़ को, ये भुखड़ पकड़ी गई गोलगप्पे खाते। हाँ हाँ देखो यार ठूस रही है, दो गोलगप्पे इसके मुंह में एक बार में, दो गोलगप्पे है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, और लड़कियों के ड्रामे सुबह सुबह देख लो। आज शादी में जाना है तो दोस्त का लगन है और उसकी बहन की शादी है, तो आज एक ही दिन में है, तो मैडम लगी हुई है सुबह घिसाई में। ये ध्यान से देखो, ये अंगूठा घिस रही है, उंगलियाँ खून निकाल दिया ऐसे नाखूनों में से, एक हाथ में से खून का है। हाँ आज इसको मैं सोच रहा हूँ आज उनकी ऐसी स्मोकी आइज कर लियो कि वहाँ डर जाए देख के, तेरे को ऐसे भूतिया आंखें कर लियो। मजा आएगा गाइस, आज हम फिर से स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे और फिर भुक्कड़ों की तरह खाएंगे। हैं यहाँ पैक करना मुश्किल है इनकी। कोई प्रमोशन नहीं है कहीं, तुम प्रमोशन कर रहे हो, तुम कहते हो दीदी की सुंदरता का राज। अभी उसने मंगाया मेरे से कि ये लेके आओ, उपटन है, किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, उपटन, कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। उपटन लगाओ, उसमें गुलाब जल भी डालती है और उसका चेहरा ऐसा निखर जाता है, आपको लगे आप टिकटॉकर हो, रिंग लाइट लगा लियो आपने, आप बहुत स्मार्ट, ये तभी स्मार्ट लगती है, वैसे है नहीं है। उपटन लगाती आप ऐसे चौदह मारो। किसने बुलाया तेरे को, बोल। अच्छा नीचे नहीं आना, नीचे नहीं आना, ऊपर में आ रहा हूँ, चल पीछे 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 चलो, पीछे चलो। क्या खाया इसने? अच्छा उंगली चाहिए इसको खाने के लिए। बहुत देर बाद मिलूंगा इससे, तो ऐसे पद्दी चढ़ जाएगा और ऐसा बैठा रहेगा, उतरने का भी नाम नहीं लेता ये, उतरने का भी नाम नहीं लेगा। इस फाइनली आज आपको हम रिवील कर रहे हैं ऐसा भयानक चेहरा जिसको देख के आपकी नींद उड़ सकती है। आप ये भी सोच सकते हो कि भैया हमने यूट्यूब चैनल क्यों खोला ये वाला, आपको हम पे डाउट हो सकता है और आपको खुद पे डाउट हो सकता है कि आपने दीपक यादव सब्सक्राइब क्यों किया, कि भैया इतना दरिंदा आपको ऐसे दिखा दूंगा ना मैं, आप कंफ्यूज जाओगे कि भैया आगे की वीडियो देखनी। ध्यान से देखो इस चेहरे को, रेडी स्टडी, भैया अपनी रिस्क पे, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, ध्यान से देखो इसको। ओह हाँ कर दे, हाँ जीभ पूरी निकालते हुए खिंच जाएगा। इसने लगाया है व्हाइटनर और मिट्टी डिस्टेम्पर लगाया, नरलक में लगाया बैठे, ध्यान से देखो चेहरे को। फिर तुम बोलते हो भैया आप ब्यूटी कराज के, ब्यूटी कराज यही है, चौक लो जो स्कूल में आती है उसको घिसो और ऐसे चेहरे पे लगा लो और फिर ऐसे जीभ निकाल लें कैसे और अच्छे से आंखें चौड़ी। हाँ ये ध्यान से देखो भैया, ये अपने बाल भी ड्राई कर लिए मैंने, अब इसके भी करो, इतने काम करवाती रहे लड़की, अब खुद के बाल भी ड्राई नहीं हो सकते तेरे से। ये भी आ गया मेरे पास, बोलो कैस कर ले, तेरे भी सुखा ले। ये बात, जब इसको भूख लगती है ना पास आके बैठ जाएगा और हमें देखता रहेगा, तो मैंने इसको अभी तो कैल्शियम बोन दिए, सारे काम उल्टे हमारे। भैया पानी डालने के लिए ना इसका एक वो आता है जिससे नाप के डालते हैं, वो तो है नहीं, तो हमने अभी अंदाजे से ही पानी डाल दिया इसके अंदर। भैया अभी इसकी उंगलियां दिखाइए, उंगलियां दर्द कर रही हैं इस लड़की की। इसके ऊपर मैंने चैलेंज किया लेकिन हार गई, जो आपने कल चैलेंज देखा होगा, अभी तक देखा नहीं तो भैया देखो कल जो वीडियो डाली थी हमने उसमें चैलेंज आपने देखा होगा, हार गई। मतलब इसको मौका था कि कोई फोन वोन कुछ भी महंगी चीज़ खरीद सकती थी, बेचारी शक्ल उतर गई। वो तो मैं वैसे भी खरीद लूंगी। बहुत काम बहुत काम, कभी ड्रेस की फिटिंग करी है आज तो, कभी कुछ करा है, और अब खाना खाने का भी टाइम नहीं था, तो अब खाना इसने पैक कर दिया मेरा। टिफिन कहाँ है? डाल दिया, जिम में जाके खाना खाएंगे भाई, और जिम से भाग के आऊँगा फिर हम ब्याह में जाएंगे। और इस लड़की को अभी मेरे को ड्रॉप करना है एक बार, कुछ काम है इसको मार्केट में, थोड़ा सा मार्केट तो या घर में गली से एक दो दुकानें से चीज़ लानी है इसको। बता दे क्या लाना है? सामान लाना है ये, हाँ सामान लाना है इस लड़की को, ये नहीं बताया कि लेने लाना क्या लाना है। दोबारा बोलिए कैमरे पर क्या कहना चाहोगे आप? मैं सोच रही हूँ पिछली बार मैं लेट हो गई थी, तो आज थोड़ा सा जल्दी तैयार होके दीपक को शॉक दे दूँ। ये देखो दाइज ताव हो गया, देखो कहाँ हो गया, अभी इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे चले जाऊँ क्या कहते हो? भाग जाएंगे मुझे देख के या नहीं? देख रहे हो बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत है, पता है तुम्हें? तुम क्या जानो लोगों कितनी मेहनत का काम है शादी अटेंड करना लड़कियों के लिए, बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत है। पहले इस क्यूट से चेहरे को देखो, है ये क्यूट है, अब इस डरावने चेहरे को देख लो, ध्यान से देखो इस डरावने चेहरे को। मैडम कहाँ जा रहे हो? मैडम कुछ कहना चाहोगे? ये फालतू की कमेंट करते हैं, इतना मेकअप क्यों? अरे मेकअप लड़की हूँ तभी तो कर रही हूँ। ये बैंक, ये कॉम्बिनेशन, ये टिकटॉक वाला कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है चूड़ियों का। अगेन यू आर ए टिकटॉक स्टार, दिस इज आज साड़ी पहनी मैडम ने आज। ओ भाई रुक जा और उसमें दिखाते हैं, बढ़िया लग रही है साड़ी में आज तो, वाइड एंगल में भी दिखा। है नहीं बढ़िया, घमंड है तेरे में, इतना घमंड लगे कहाँ जाओगे मैडम? मैम भारत जानना चाहता है आपसे क्या आज भी शादी में भूखों की तरह खाना है? सुबह से हमने एक ही टाइम खाया, वो भी शाम को ही हल्का सा। मैं तो साड़ी में इसलिए ढीली सी बांधी है कि पेट सना पड़ जाए मेरा। बस कर वहाँ तक बाल सेट करता रहेगा, ये देखो आज मैं पहले तैयार हुई हूँ। हाँ क्योंकि मुझे आज, मैंने तेरा कहने का वेट नहीं किया, मैं पहले से तैयार हो गई थी।
लौंडा स्मार्ट लग रहा है, मैंने इसे बोला था दूसरी शेरवानी पहनने, कह रहा उसे दूसरे फंक्शन में पहनूंगा। आज मैंने जूते पहने हैं, जूते। स्मार्ट लग रहा है लौंडा, शाहिद कपूर स्टाइल लग रहा है थोड़ा। शाहिद कपूर ने उसमें पहना था ना ऐसा? क्या हम तुम्हें बदले बदले लग रहे हैं? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके क्या मैं बदला लग रहा हूं? कैस्पर कह रहा है हम तीनों में सबसे स्मार्ट कौन लग रहा है? ये जो है ना, ये दिल बने इसके, शोनी मोनी, इससे स्मार्ट मिलता है। शोनी मोनी ऊपर भी छोड़ के आऊंगा ना, जाने सकता हूं मैं। लाड को वेट करेगा ये वाला, हमारा वेट करता है ये, और गाली बकते हुए साले पे चले गए, साला मैं कुत्ता हूं थोड़ी। हां गेशु प्लीज लो, ज्यादा नहीं खाऊंगी, चल चिको। कैस्पर की डिलीवरी कर दी हमने ऊपर, लेकिन ये जाने थोड़ी देगा, उसको पता है। बुलाना आप इसको, क्या कह रही थी लड़की, क्या कह रही थी हमें, अभी जल्दी बता। कह रही मजीद तो गाइस कमेंट करके बताओ, अजीब लग रही है या अजीबो गरीब लग रही है? अच्छी लग रही है, सच में स्मार्ट लग रही हो तो स्मार्ट है, बस मेरे से थोड़ा सा स्किन टोन तेरी है। गाइस मेरी स्किन टोन देख लो, भाई की स्किन टोन, भाई मेरे से बड़ा बदमाश नहीं है धरती पे, बदमाशी फुल करेंगे जाएंगे निकल रहे भाई। और गाड़ी पे मिट्टी जमी पड़ी, गाड़ी में साफ नहीं करी, साले मारेगा कोई, वहां जा रही हो। कितनी भूतनी लग रही हूँ मैं इस फाइट मास्क में, मस्त लग रही, मस्त एक नंबर। कैसे लग रही हूँ मैं जल्दी बताओ, डरा ये लड़की टाइम पे तैयार है तो उसकी, मतलब लड़की को सुनने की आदत है ही। आज मैं पता है क्या, दीपक ने मुझे जो टाइम दिया था ना, मैं उससे आधा पौना घंटे पहले हो गई थी, आधा घंटा 15 मिनट पहले हुई थी। नहीं तूने 8 बजे बोला था, तू आया नहीं था 8 बजे तक, उससे पहले मैं तैयार, फिर भी मेरी डांट पड़ गई, मैं मास्क भूला ही। गाड़ी में बैठ गई, सारे ताले तुले लगा दिए तिजोरियों के, और मैडम बैठी उसके करीब, मास्क नहीं लाई मैं, मैंने कहा 3 बार गई थी मास्क ले आओ, ध्यान से देखिए ये भुलक्कड़ चेहरे को, देख लो मेरी जगह, इसको खाना नहीं खाने देंगे वहाँ पर, पता है इतना सड़ा सा मास्क मिला उसके बाद मुझे ये। भाई अभी पहुंचे हैं हम यहाँ पर, अब देख लो फंक्शन की जगह पर, ये मैडम आती है, इसको देवू को पकड़ लिया, देवेंद्र का लड़का जी देख लो पहले तो, इसको इतने खिला रही है, कह रही है ये कौन है चुड़ैल सी, कैमरा देख के खा रहा है, चुड़ैल नहीं बोल रहा हूं, उसे मैं पसंद आ रही है। अच्छे लग रहे हो तुम दोनों अच्छे लग रहे हो, और ये स्मार्ट लग रहा है, देख कैसे एक्सप्रेशन देता है कैमरा देख के मेरे को, कि साले कैमरे के पीछे तो कौन है भाई। आती है लड़की शुरू हो गई है भुखड़ों की तरह, मैं इसको पार्टनर चाहिए था, शालू पार्टनर, हाँ बच्चों खिला रही, रहन दे झूठी औरत, हाँ शालू तू मत बोल, 4 तो शालू खा चुकी है, 4 पीस तो, और 8 ये खा चुकी है, 8 पीस हो गए। गाइस मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, वैसे सारे जाट मुझे मार भी सकते हैं मिलके, ज्यादा धीरे मत बोल, थोड़ा तेज बोल ले, और पूछे सब जाट है ना, मारने लगेंगे। ये मेरे पे इल्जाम लगाया था कि हमारी बारात बहुत लेट आई थी, भाई जाटों की बारात आती है लेट है, 10 बज रहे हैं रात के और अभी तक बारात नहीं आई है, सच्ची में बहुत लेट आए थे लोग, बहुत लेट आए थे और अभी भी बारात नहीं आई है, सोचो जब हम गए थे गाजीपुर हम भी भैया 9:30 के आसपास पहुंचे थे, इनका परिवार इतनी गाली देता ना, उस दिन भी गाली दे रहा था, हमें पापा इतना गुस्सा करते हैं, वो टाइम के बहुत पंक्चुअल है। एंगेजमेंट का बताना, एंगेजमेंट पे तुम जब एंगेजमेंट का फंक्शन था, ये ना इतने गंदे हैं एंगेजमेंट पे ना, हॉल जो था ना वो बैंक्वेट हॉल, उसकी लाइट भी मेरे घर वालों ने जलवाई, घर वाले गाजीपुर से आके गुड़गांव में लाइट ऑन कर रहे थे, डेकोरेशन भी पूरी नहीं थी उस टाइम, बड़े लोग हैं भाई ऐसे ही चलता है अपना। भाई अब हम खा रहे हैं छोले कुलचे, ये प्याज नहीं खाती, लेकिन अब प्याज हटाना पड़ेगा इसमें से, इसके साथ आने का यही नुकसान है भैया, आधा प्याज नहीं खाना पड़ता, आधी चीज़ें खाती आधी नहीं खाती। वहाँ पर ना टिक्की एक ही बची हुई थी और वो जली हुई थी, भाई कह रहा कि भैया ये जली हुई टिक्की है, दूसरी मैं तो कह रही नाना तू दे दे जली हुई टिक्की, खा अरे जली हुई टिक्की खा रही है लड़की, कह रही है सब कुछ खाना है, कह रही दाल चावल तो घर पर खाते हैं, यहाँ सारा लूट के जाना है। भाई लोकेशन बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो पूरा ये इधर मेन्यू अंदर का, ठीक है, और ये तो पागल है, कह रही है कि सारा सब कुछ यहाँ पैक नहीं होता कि, हाँ एक बार गाइस एक ध्यान से बात सुनो, ये लड़की कह रही है कि गोलगप्पा चैलेंज करेंगे यहाँ पर, मैं गोलगप्पा चैलेंज छोड़, यहाँ पर महंगी जगह में एक गोलगप्पा खाने के बाद अगर दूसरा खा लो चाटे मारते हो, तो एक ही गोलगप्पा क्या होता है, जुकाम नहीं होता भाई, शर्मा आ रही है लड़की, गाइस हम कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बता दो क्या आपका, आज मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ये लड़की, लड़की के सामने तो हम लगते नहीं वैसे तो, बाकी भी देवेंद्र भी आ रहे हैं। कलर से लग नहीं रहा होगा, रबड़ी खा रहे भाई, येलो कलर है बाहर की लाइटिंग की वजह से, और ये रबड़ी और जलेबी, इसको रबड़ी जलेबी बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद है तो भैया कमेंट करके बताओ, मुझे तो रसमलाई ज़्यादा अच्छी लगती है, ये रबड़ी ये रसमलाई जो मैं खा रहा हूँ ब्लू कलर लाइट की वजह से, और भाई माहौल देख लो यहाँ का बहुत तगड़ा है, आउटिंग ये आउटडोर सेक्शन है, अंदर अलग है, उस तरफ एंट्री का है वहाँ भी अलग से पूरा रूम है, और एक अपना अंदर हो गया पूरा का पूरा सेटअप जहाँ भी हम खाना खा रहे थे, और ये मैडम बाहर बैठी के लाइटिंग में भी कैसे लगती है, सबको दिखा रहा है, मैं तुझे दिखाती हूं, मेरे को तू पता कैसे लग रही है, तो ऐसा लग रही है जैसे क्या बोलते हो नहीं आ जाते कई बार ऐसे जबरदस्ती बुला लेते किने को, ऐसा प्राणी है भरता ही नहीं है इसका जहन, खा और खा
पैक करवाने की कोशिश करेंगे देवेंद्र से बात करके, मुश्किल है पैक होना वैसे तो। नहीं मैं विशाल को ही बोल दूंगी। गाइस ये कह रही है पीछे जो पानी बह रहा है उसमें कूद लूँ, भाई उसमें झाग उठे हुए। ये कह रही है मैं कूदना चाहती हूँ, बचपन में बच्चे नहीं होते वो देख के वो कहते हैं भैया मेरे को जाना है पानी में नहाना है कूदना। गाइस ब्रेकिंग न्यूज़, जाटों की बारात आ गई है, 11:15 बज रहे हैं अभी अभी भी अंदर नहीं आ रहे हैं, भारी है। हाँ से देखो इस भुक्खड़ को, ये भुक्खड़ पकड़ी गई, गोलगप्पे खाते हो। हाँ हाँ देखो यार ठूस रही है, दो गोलगप्पे इसके मुंह में, एक बार में दो गोलगप्पे है ना, एक बार में दो गोलगप्पे। अबे रहन दे झूठ बोल, ये लड़की भैया बदल गई है, हैं ये क्या छोटा। अबे रहन दे झूठी औरत है, और दूसरी औरत ये भी पकड़ी, इसके ये तीन खा चुके एक बार में, तीन गोलगप्पे। एक बहुत ही अंदर की बात बताइए, बता देखो पेट तो भरेंगे नहीं किसी भी चीज से, हाँ, और ना ही पनीर रोटी और वो सब कुछ लेंगे, जो जो स्पेशल चीज है ना ब्लिस की, हाँ, थोड़ी थोड़ी लेंगे और सबकी मांग उड़ देंगे। तो भाई सारे आइटम की ये दोनों तो खाएंगे थोड़ा थोड़ा, मैं तो साला पैक कराने वाले में से हूँ, हाँ। मैं तो पैक करके ले जाऊँ, ये तभी तो जेब लेके आया है, फोन भरे हुए उसमें भाई, जेब ही जेब है, देखो एक दो अंदर जेब, कच्चे में भी जेब है। हमारी बीवी ने आज करा दी बेइज्जती, 2 घंटे से लगी हुई है चरने में, अभी भी लग रही है, 2.5 घंटे हो गए, सच बताओ 2.5 घंटे हो गए, और वो मुंह छुपा रही है, वो तो घर का अभी अभी अपने बच्चे को घर छोड़ के आई, घर पे भी खा के आई है वो लड़की, यहाँ भी खा रही है, टमाटर में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ वो आई प्लेट में टमाटर रख के 2 पीस, और ऐसे आए कि जैसे अवार्ड में देंगे फिल्म फेयर अवार्ड की, बाहर लड़की क्या डिश लाई है। भाई अपना पास्ता चल रहा है, लेकिन इस पास्ता में सब्जी ज्यादा दिख रही है मुझे, पास्ता ज्यादा, ये भुक्कड़ फिर उसमें से भी खाई गई। इस लड़के ने हार नहीं मानी, आखिर में लड़का पास्ता लेके माना ही है लाला, पास्ता के लिए तू मतलब कि 1 घंटा वेट किया, लड़का फाइनली पास्ता लेके आ गया। इस लड़की ने फाइनली बोला है कि अब घर चल लेंगे अगर कुल्फी खिलाएगा तो, मैं सोचते इसके नाक में डाल दी कैसा लगता करते नाक में डाल दी। गाइस सच में बहुत ही तगड़ा माहौल था यहाँ का यार, अभी जा रहे हैं अब हम घर। कैस्पर रो रहा है, कैस्पर घुसा हुआ है इसके अंदर, भैया देख लो इसकी एक्टिंग, देखो ये रहा, कोई मतलब नहीं इसको, देख लो मैं निकाल रहा हूँ फिर इसके अंदर घुस जाते और। हाँ क्या हो गया, बहुत मतलब कि ऊपर से अखबार ऊपर फाड़ रखे थे, इतना तबाही मचा रही थी और इतना रोया नहीं कुकू करके, और हमसे मिलाए रोते हुए। हाँ साले कहीं हम जा नहीं सकते कि हमारा मी टाइम नहीं होता कुछ, बहुत अपसेट है, हमसे बात भी नहीं कर रहा, बहुत गुस्सा है। जय डोले वाले बाबा की, भाई वापस आए घर, अभी रात के बज रहे 2:25, पहले तो हम शालू को ड्रॉप करके आए उसके घर, उसके फिर हम अपने घर आए, और शालू को ड्रॉप क्यों करा, उसका भी बेबी रो रहा था, और हमारा बेबी जो ये शिटजू है भाई हमारा कैस्पर, इसने ऊपर तबाही मचा रही, अखबार ऊपर काट दी उनकी, और ऐसे रोने वाली आवाज जिससे सोर नहीं रो, वो कुत्ते ना उतरा एकदम, अभी मतलब जब तू उतरा ना और तू मेन गेट बंद कर रहा था और ये गाड़ी में था, ये ऐसे रो रहा है, मैं इसको आती मैं गाड़ी में बिठाया अंदर गाड़ी लाने से पहले, और ऐसे चिपटा है ना लिटरली हम दोनों से, मतलब बहुत बुरी तरह से, ऐसे पागलों की तरह चिपटा है ना कि बस ऐसा लग रहा है ना, बोल रहा है कहाँ जाते हो साले, रोज भग जाते हो इस टाइम। डॉग्स को ये होता है कि मैं छोड़ के तुम चले गए, तो भैया मजा आ गया। अब आज विशाल का लगन था, उसकी बहन की शादी थी, अब 30 तारीख को उसकी शादी है, बारात में जाएंगे 30 तारीख को, उस दिन पूरा कवर करेंगे ब्लॉग में, भैया जुड़े रहिए उस पर, नए हो चैनल पे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को भैया, और वीडियो लाइक कर देना, हम भुक्कड़ फिर से बारात में जाके खाएंगे, हम बहुत बदतमीज लोग हैं, 30 फिर 6 तारीख फिर 9 तारीख भाई, बहुत बेस्ट है भाई यार, एक सब्सक्राइब भी करते ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, और एक प्यारी सी कमेंट छोड़ दिया करो, कमेंट जब अच्छी करते हैं पढ़ते हैं अच्छा लगता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हैव अ गुड डे, टेक केयर।